आईजी एनडीआरएफ का बड़ा बयान आया है रेस्क्यू ऑपरेशन पर, 24-48 घंटे चलेगा अभी रेस्क्यू ऑपरेशन। यानी एनडीआरएफ के आईजी का ये कहना, 40 से 50 लोगों के नदी में बहने की आशंका है, ये उन्होंने कहा है। जिंदा और मृत लोगों की तलाश की जाएगी, अगर कुछ लोग जिंदा भी कहीं पर फंसे हो उन्हें भी तलाशने की कोशिश होगी, और जो बह गए हैं जिनकी जान चली गई है उनको भी तलाशा जाएगा, उनके शवों को। तो एनडीआरएफ के आईजी का ये बड़ा बयान है, अभी 24 से 48 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी रहने की संभावना है। उत्तराखंड में डिजास्टर के बाद क्या चल रहा है अभी, ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ है अमरिंदर सेंगर, आईजी एनडीआरएफ। सर, हम देख रहे हैं किस बहादुरी से और किस क्षमता से आप लोग लड़ रहे हैं और किस तरह से रेस्क्यू की ऑपरेशन की बात करें, लेकिन अब तक आपका रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं? जैसे ही हम लोगों को जानकारी मिली तो जितनी भी इकाइयां हैं कार्य करने वाली तत्काल ही वहां राहत कार्य में लग गई थी, चाहे वो आर्मी हो, आईटीबीपी हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चल रहा है। अभी लास्ट में जानकारी मिली थी कि 16 लोग एनटीपीसी के वो एक टनल में फंसे हुए हैं, तो हमारे आईटीबीपी ने वहाँ सर्च एंड रेस्क्यू करके उन लोगों को जीवित बचा लिया है। और बचाना एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कितने लोग अभी भी मिसिंग है, क्योंकि शुरू में जो जानकारी मिली थी 150 लोग बताया गया था और कहा था कि कई गाँव वाले हैं वो भी मिसिंग है, तो अब आपके पास हमको क्या जानकारी है? अब तक जो जानकारी मिल रही है वो इसको लेटेस्ट जानकारी, उसके हिसाब से कुल 40 से 50 व्यक्तियों के लापता होने की सूचना मिल रही है। इसकी ज्यादा जानकारी तो आधिकारिक तौर पे आपको जिला प्रशासन ही दे सकता है। खास तौर पे बात करें कितना दिन चलेगा ये रेस्क्यू ऑपरेशन, और पानी में भी कोई ऐसा हो सकता है कि जो मलबे में बह गए हैं वो लोग? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा, क्योंकि वहाँ पानी का बहाव बहुत तेज रहता है, तो जहाँ दुर्घटना हुई है उससे काफी दूर दूर कई किलोमीटर आगे जाके हमें डेड बॉडीज मिल रही है और उन लोगों को निकाला जा रहा है। तो आज रात्रि में रोशनी की भी दिक्कत आ जाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि रात भर ऑपरेशन चलेगा, उसके अलावा अगले 24-48 घंटे भी ऑपरेशन चल सकता है। 48 से 24 घंटे के बीच में ऑपरेशन चल सकता है। कितनी बॉडीज आपको लगता है, कितने लोग बह गए हैं, और उसमें कोई रेस्क्यू की गुंजाइश है क्या? हम लोग सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी लगातार जारी किए हुए हैं, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चल रहा है, जैसे जैसे जानकारियाँ मिल रही है उस हिसाब से कार्रवाई की जा रही है, और ऑनगोइंग ऑपरेशन है। जब तक हम लोग सारे व्यक्तियों को तलाश नहीं लेते हैं तब तक ऑपरेशन ये जारी है। 2013 में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, उस समय काफी डिजास्टर हुआ था, उसके मुकाबले आपने लगता है कि वहाँ पे जो लेसन्स लर्न किए थे वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुए हैं? बहुत सारे लेसन्स हैं जो इम्प्लीमेंट हुए हैं, और वो उसका जो मैग्नीट्यूड था वो ये दोनों के मैग्नीट्यूड में काफ़ी फर्क है, उतने मैग्नीट्यूड का नहीं है। जैसे ही जल बहाव ये नीचे की तरफ जा रहा है वैसे वैसे नदी का जल स्तर सामान्य होता चला जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि जैसे और आगे बढ़ेगा किसी भी जान माल की वो आपको संभावना हानि होने की बहुत कम हो जाएगी। हम सबसे बात करने के लिए शुक्रिया। जॉइंट ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, और खास तौर पे बात करें जिस तरह से कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जाने बच सकें, और जो मिसिंग पर्सन है अभी भी एक चिंता का विषय बने हुए हैं। कमलजीत संधू, दिल्ली आज तक।